फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 पोलन ग्रेन्स बनाना तो कितने मियोसिस चाहिए, 100 eggs बनाना हो तो कितने मियोसिस चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, एक मियोसिस से क्या 4 हैप्लोइड सेल्स बनते हैं, हैप्लोइड सेल्स, और एक पोलन ग्रेन क्या हैप्लोइड सेल्स है, तो यानी 1 से 4 बनते हैं। 100 बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 25 मियोसिस करेंगे तो 100 पोलन ग्रेन बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब 100 एक बनाने के लिए, तो हम जानते हैं एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस तो 4 मेगास्पोर बनता है, ठीक है। और 4 मेगास्पोर से क्या होता है, 3 डिजेनरेट कर जाता है, और उसमें से क्या जो एक होता है वो आके क्या बनाता है, एम्ब्रायो शेक, एक एम्ब्रायो शेक बनाता है, जिससे जाके एक एम्ब्रायो शेक से क्या होता है, एक एक बनता है हमारा। तो एक मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हो रहा है तो उससे 4 मेगास्पोर बन रहा है, लेकिन बाद में जाके एक ही 3 डिजेनरेट हो रहे हैं, तो एक एम्ब्रायो शेक से एक एक बन रहा है। अल्टीमेटली अंततः क्या हो रहा है, एक से एक एम्ब्रायो शेक बन रहा है एक मियोसिस होने से। तो ऐसे ही 100 मेगास्पोर मदर सेल में 100 मियोसिस होगा, फिर जाके 100 एक बन पाएंगे। तो क्या होगा इसका, 100 यदि एक बनाना है तो हम लोग को क्या चाहिए, 100 मियोसिस चाहिए। That's it. इतना ही, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट।